हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजीएस्ट एक्सप्लेन। आई एम कंचन। फ्रेंड्स, हम स्क्वायर रूट चैप्टर में थे और इस चैप्टर के 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट 4 है इस वीडियो का और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन तो नॉर्मली हमें एग्ज़ाम में देखने मिल ही जाते हैं, तो इन्हें कैसे जल्दी से सॉल्व करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 3 और इसके अंदर एक और रूट है जो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कैसे है ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ लीजिए स्क्वायर रूट है, या फिर यहाँ 2 लिखा रहेगा या फिर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, तो वो होता है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व करना है। अगर रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है तो सबसे अंदर का रूट है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ऊपर वाला रूट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट है और स्क्वायर रूट है। अभी स्क्वायर रूट वाला पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नंबर है हमें गिवन 0.00004/0 and 64। अभी क्या करना है, सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने पर यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, उसकी जगह में लिखेंगे 1 और काउंट करेंगे डेसिमल के बाद ऊपर कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे भी 60 लगा देंगे। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब डेसिमल हट चुका है, अब सामने वाले 0, 64 के आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ 64 आ गया और नीचे जो बचा है वो ये नंबर है। तो अब इसको अलग अलग करके लिख लिया है, ये 6 बार यहाँ पे 0 है, तो हम इस 6 टाइम 10 को लिख लेंगे। 10 × 10 × 10 इस तरीके से आ सकता है। अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, तो हमें पता है कि 8 × 8 = 64 होता है, तो 8 × 8 करके लिख लिया और यहाँ पे 10 के जो ये 6 × 10 लिखा था इसके 2 के पेयर बन गए और 8 × 8 का एक पेयर बन गया। अभी हमें पता है कि स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो 2 नंबर के पेयर बनते हैं, जैसे 8 है तो वो 2 बार होना चाहिए, तो उसका एक पेयर बन जाएगा और वो उस स्क्वायर रूट से अब बाहर आ सकता है। तो अब ये नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक बार, तो ये 8 का पेयर बना था तो 8 एक बार बाहर आ गया इस रूट से, और उसी तरीके से ये एक बार ये 10, एक बार ये 10 और एक बार ये 10, तो 3 बाहर आ गए। अभी क्या बचा है, क्यूब रूट बचा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होता है, तो ऐसे लिख लिया 8 को और नीचे था 10 × 10 × 10। अब ये है क्यूब रूट, तो यहाँ पे उस नंबर किसी भी नंबर के हमें 3 नंबर का एक पेयर बनेगा, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 का एक पेयर बन गया ये और 10 × 10 × 10 का एक पेयर बन गया, तो अब ये क्यूब रूट से बाहर आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 10, ये क्यूब रूट से बाहर आ गए। अब आंसर आ गया अपना 2/10। नीचे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, 2 है पहले से तो 2 के पहले डेसिमल आ जाएगा और 0.2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे भी हमें सिमिलर क्वेश्चन मिला है, लेकिन यहाँ पे अंदर वाले रूट में हमें क्यूब रूट दिख रहा है, तो पहले क्यूब रूट सॉल्व करना है उसके बाद स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है और अंदर है क्यूब रूट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंदर वाले रूट को सॉल्व करने की, स्टार्टिंग वहाँ से होती है अंदर वाले रूट से सॉल्व करने से। तो यहाँ अंदर वाले रूट में क्यूब रूट है, तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो नीचे 1 लिख करके 6 × 0 लिख लीजिए। उसके बाद इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आगे वाले 0, इस नंबर के आगे वाले 0 हटा करके क्या आ जाएगा, 15625, और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10। 6 × 0 है तो 6 × 10 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब कि पेयर 3 के बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, इस तरीके से 2 पेयर बन गए 10 के, और 15625 का सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कितने बार आ रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया गया है 15625 का। तो यहाँ पे क्या किया गया, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 6 यहाँ पे 1 बचा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 यहाँ पे बनाया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, तो 6 बार 5 आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। तो 6 बार 5 है तो यहाँ पे 3 5 एंड 3 5 के पेयर बन जाएंगे,
तो यहाँ पे भी टू पेयर बन गए और नीचे भी टू पेयर बन गए, तो एक बार फाइव बाहर यहाँ पे आ गया और एक बार फाइव यहाँ का बाहर आ गया, और उसी तरीके से दो टेन बाहर आ गए। अब ये क्यूब रूट रिमूव हो चुका है, केवल क्या बचा है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट में नंबर के कितने नंबर के पेयर बनते हैं, टू नंबर के, तो फाइव इंटू फाइव का एक पेयर बन गया, टेन इंटू टेन का एक पेयर बन गया, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। अब ये बाहर आ जाएंगे पेयर, तो ये हो जाएगा हमारा 5/10 और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.5। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 0.5। तो फ्रेंड्स आज ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। मैं अभी आपको एक दो इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन का होमवर्क दे देती हूँ, तो आप उन्हें ट्राई कर लीजिएगा और उनके आगे आंसर लिखा रहेगा, मैच करके देख लेना। तो फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।